दोस्तों, कतर ने आज वो कर दिखाया है जो पिछले 100 सालों में कोई अरब देश नहीं कर पाया। कतर ने न सिर्फ इतिहास में पहली बार किसी अरब देश में फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन किया, बल्कि उसने फीफा वर्ल्ड कप का उद्घाटन कुरान की तिलावत के साथ शुरू किया। ये इतिहास में पहली बार है जब किसी इंटरनेशनल गेम के उद्घाटन के मौके पर कुरान पाक की तिलावत की गई। कतर पिछले 10 सालों में एक महाशक्ति बनकर उभरा है। उसने ऐसे ऐसे कारनामे अंजाम दिए जिसे देखकर दुनिया दंग रह गई। किसी अरब देश में फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन करना कोई छोटी बात नहीं थी, और जब कतर को वर्ल्ड कप करवाने की जिम्मेदारी मिली तो लोग हैरान थे कि जिस देश में एक भी स्टेडियम मौजूद नहीं है और जहां की कुल आबादी ही 30 लाख है, वहां पर इतना आलिशान और भव्य फीफा वर्ल्ड कप कैसे हो सकता है। लेकिन कतर ने इन सब दावों को पीछे छोड़ते हुए $220 बिलियन की धनराशि खर्च करके मात्र कुछ ही दिनों में ऐसे ऐसे स्टेडियम तैयार कर दिए जिनको देखकर आज बड़े बड़े इंजीनियर और आर्किटेक्ट हैरान हैं। कतर ने अरब के रेगिस्तान में न सिर्फ स्टेडियम बनाए बल्कि हर स्टेडियम के इर्द गिर्द एक नया शहर ही बसा डाला। नई मेट्रो लाइन बिछाई, नए ट्रांसपोर्ट और एयरपोर्ट बनाए। एक तरह से ये कहा जा सकता है कि कतर ने अपने ही देश में एक नई दुनिया बसा डाली। 2 साल पहले कतर में लुसैल नाम का शहर सिर्फ एक रेगिस्तान था और आज वो स्मार्ट सिटी बन चुका है। लुसैल में बने स्टेडियम हो, एयरपोर्ट हो या बाकी नए बने स्टेडियम, ये सब इंजीनियरिंग ही नहीं बल्कि स्टेट ऑफ आर्ट बनकर उभरे हैं। कतर दुनिया के सबसे अमीर देशों में शामिल है। वो ये वर्ल्ड कप सिर्फ खेल के लिए नहीं करवा रहा बल्कि दुनिया से इस्लामोफोबिया खत्म करने के लिए करवा रहा है, ताकि इस्लाम और मुसलमानों को लेकर लोगों का नजरिया बदले। ये वही कतर है जिसने अफगानिस्तान और अमेरिका के बीच में समझौता करवाया। ये देश क्षेत्रफल में भले ही छोटा हो लेकिन औकात में सबसे बड़ा है। हैरानी की बात यह है कि कतर अपनी इस्लामी रिवायतों को मजबूती से पकड़े हुए इस खेल का संचालन कर रहा है। उसने फीफा वर्ल्ड कप के शुरू होने से पहले ही ऐलान कर दिया था कि कतर में किसी भी इंसान को शराब पीने या ऐसे काम करने की इजाजत नहीं होगी जिसे इस्लाम ने मना किया है। यहाँ तक कि कोई विदेशी महिला भी कम या छोटे कपड़ों में स्टेडियम में दाखिल नहीं हो सकती। हैरानी की बात तो यह है कि कतर ने फीफा वर्ल्ड कप के पहले मैच के उद्घाटन से ठीक पहले एक इस्लामिक प्रोग्राम का भी आयोजन किया है, और इसके लिए डॉक्टर जाकिर नायक कतर पहुँच चुके हैं जो खेल शुरू होने से पहले बयान करेंगे। अगर ऐसा होता है तो ये खबर इस्लामी दुनिया के लिए बहुत मायने रखती है। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो सकती है कि कतर में होने वाला फीफा वर्ल्ड कप दुनिया का सबसे महंगा वर्ल्ड कप है। पिछली बार फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन रूस में किया गया जिसका बजट मात्र $18 बिलियन था, लेकिन कतर ने अकेले इस इवेंट पर $220 बिलियन खर्च कर दिए हैं। कतर के सिक्योरिटी हेड अब्दुल्ला नसरी ने तो यहाँ तक कह दिया 28 दिनों के लिए हम अपना मजहब नहीं तब्दील कर सकते। कतर के फैसलों ने यह साबित कर दिया है कि दुनिया झुकती है, बस झुकाने वाला चाहिए। लोग आपकी बात मानते हैं, बस बात मनवाने वाला चाहिए। फीफा आज दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला खेल है। दुनिया में सबसे ज्यादा दर्शक फुटबॉल गेम को देखने वाले हैं, और ऐसे गेम के उद्घाटन के मौके पर अगर इस्लाम की तबलीग की जाए और कुरान की तिलावत की जाए तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एक वक्त था जब कतर को तमाम मुल्कों ने बैन कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद कतर ने आज सभी मुल्कों को अपने आगे झुकने पर मजबूर कर दिया है। उम्मीद है आने वाले वक्त में अरब देश भी कतर को देखकर कुछ नसीहत हासिल करेंगे और इस्लाम की बुनियादी शिक्षाओं से कोई समझौता नहीं करेंगे। कतर के इन फैसलों ने आपको कितना प्रभावित किया है नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर एक मुसलमान होने के नाते आपको गर्व महसूस हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटा जरूर दबाएं।